सो है व्हाट्सअप, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना राहुल शर्मा ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी आ गया नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देखा, यस दैट्स राइट, अनएम्प्लॉयड इन जर्मनी। सो आज पहला, वैसे आज दूसरा दिन है बट ब्लॉग का पहला दिन है। तो आप इसको कुछ भी मान सकते हो, मैंने छोड़ दिया या फिर उन्होंने मुझे निकाल दिया या फिर उनको मुझसे प्रॉब्लम थी या फिर मुझे उनसे प्रॉब्लम थी, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। बट हाँ, अभी के टाइम पे मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, अभी मैं बिल्कुल अकेला बैठा हुआ हूँ अभी जस्ट। हाँ, नौकरी के नाम पे मेरे पास एक मिनी जॉब है अभी, बट अभी और कुछ नहीं है। और एक्सप्लोर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कैसे चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि यार देखो बहुत ज़्यादा हर जगह तुमको पता है पॉलिटिक्स मिलती है तुमको, तो ऐसी कुछ पॉलिटिक्स थी यहाँ पे भी, तो अभी उसी के अकॉर्डिंग मैं चेंज कर रहा हूँ। और अभी देखते हैं कहाँ पे जाऊँगा कहाँ पे नहीं जाऊँगा। तो अभी देखा जाए तो एक बहुत अच्छा है कि मैं चेंज कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ें, या तो मैं यही फील्ड को आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ या फिर मैं अपनी ये फील्ड छोड़ के दूसरी फील्ड में एनरोल कर सकता हूँ। मैं ये चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी छोड़ना चाहिए और उसमें आगे बढ़ना चाहिए, बट हाँ अब दिखाता हूँ कि अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो मैं क्या क्या करता हूँ और मैं क्या क्या करूँगा और कैसे कैसे करूँगा। तो अभी अगले 2-3 दिनों तक ब्लॉगिंग करूँगा मैं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है अच्छा खासा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ब्लॉगिंग वगैरह करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि मैंने क्या क्या किया है और कैसे कैसे किया है। जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिलती है जब तक मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे वोनू वगैरह भी अपना छोड़ना है अब, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन होता है और अब वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मुझे वो भी छोड़ना है। तो उसके लिए उन्होंने मुझे एक सर्टेन टाइम दिया है और वो टाइम के बाद मुझे वो छोड़ना ही पड़ेगा। तो व्लॉग में आगे बने रहो, दिखाता हूँ आपको, सॉरी बताता हूँ आपको कि कैसे कैसे क्या क्या कर रहा हूँ मैं। और जब तुम अनएम्प्लॉयड होते हो तो तुमको क्या क्या चीज़ें रखनी होती हैं। अभी मेरे अकाउंट में 100 यूरो हैं, दैट इज़ मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ इनफ है। और अभी अगली सैलरी तक, सैलरी आएगी उसके बाद मुझे चीज़ें कंपाइल करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिर से तैयार करने हैं। तो मैं दिखाता हूँ मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको ब्रीफ करता हूँ कि मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ अगर मैं जर्मनी में बैठा हुआ हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, ये वीडियो पूरी शाम तक चलेगी अभी। सो मैं आ गया प्रतीक के पास अपना मिनी जॉब वाला काम ख़त्म करके, और प्रतीक भी ऑलरेडी ख़त्म हो ही गया है, बस वो अब निकलने वाला है, हम दोनों साथ में भी निकलेंगे। भाई देखो मैं तो हूँ बेरोजगार इंसान, मेरे पास नहीं है काम धंधा कुछ भी। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। भाई को काम पर डिस्टर्ब करने के लिए मैं आ गया हूँ। तो अभी थोड़ी देर में अपन दोनों निकलेंगे और फिर कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर देखते हैं जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करूँगा। भाई बेरोजगार कब तक बैठूंगा आखिर, right. सही बोल रहा ना भाई? Yes, absolutely. यहाँ पे काम दिलवा देना यार मेरे को। Yeah. All time, any time. पर यहाँ पे हाउस बिल्डिंग कर सकता हूँ क्या मैं? Asking you. चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। सो अब घर नहीं है तो खाना भी नहीं मिलेगा, अब खाना नहीं मिलेगा तो खाना मैं प्रतीक के साथ खाऊंगा। तो हम लोग, मैं और प्रतीक दोनों सामान लेने के लिए आए हैं कि अभी हफ्ते भर जब तक मेरे को नई कंपनी नहीं मिल रही जब तक इसके साथ ही मुझे खाना बनाना है, खाना खाना है। और कुछ लेना है क्या भाई? पिज़्ज़ा खाएगा तू? हाँ पिज़्ज़ा तो खाएंगे। तो सामान ले लिया हम लोगों ने, कुछ आलू, कुछ सब्जियाँ, कुछ सामान और 2 पिज़्ज़ा अभी के लिए। सो अभी के लिए तो ये सब है हमारे पास, अभी देखते हैं। अभी जब तक नहीं मिलता है जब तक मैं प्रतीक के पास ही रहने वाला हूँ और जितना ज़्यादा बेस्ट होगा उतना ज़्यादा बेस्ट करेंगे, क्योंकि प्रतीक भाई हमारा थोड़ा साफ़ सफाई वाला है और आप लोगों को पता ही मैं कितना गंदे इंसान हूँ, बेरोज़गार प्लस गंदे इंसान। क्या चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? So, आपको सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे क्यों हुआ है और उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो। भाई तुम्हारा हमेशा साथ रहेगा, अगर किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो आपको सारे के सारे रूल्स एंड लॉज बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा अभी। अच्छा हमको सिखा रिया है। सो अब मेरे को पैकिंग करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को और 2-3 दिन में कमरा खाली करना है, तो इसी वजह से अभी मेरे को पैकिंग वगैरह स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपनी। और
ये देख सकते हो मैं अपना बैग वगैरह लेके तैयार हो गया हूँ। ये कपड़े वगैरह सब मैंने बाहर निकाल लिए हैं और अब मैं अपनी पैकिंग वगैरह यहाँ से ख़त्म करके फिर अभी कुछ टाइम के लिए मैं प्रतीक के साथ ही रहूँगा, जब तक मेरे को एक नया वोनू और एक नई बत्रीब नहीं मिल जाती। और क्या क्या लॉज एंड रूल्स हैं हम लोगों के लिए वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा, बट मैं सोच रहा हूँ आज ना करते हुए, आज इस ब्लॉग को ज़्यादा ना लंबा करते हुए थोड़ी बहुत चीज़ें बता के कि कैसे कैसे एक बेरोजगार इंसान रहता है वो बता के, और अपना यहीं पे ब्लॉग को ख़त्म करूँगा। दो तीन मतलब कि अभी मेरे को यहाँ पे अपने दो तीन कपड़े हैं वो धोने हैं, धो के फिर मैं इसमें डालूंगा और उसके बाद फिर निकलूंगा यहाँ से। तो स्टे ट्यून्ड, और जो भी होता है मैं आगे आगे बताता रहूँगा, क्योंकि अब मैं कंटिन्यूसली जब तक बेरोजगार हूँ जब तक तो ब्लॉग करूँगा। सो क्या क्या करता हूँ, क्या कैसे कैसे करता हूँ वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने सारी पैकिंग कर ली है और बस अब कुछ कपड़े थे वो जो मैंने धोने के लिए डाल रखे थे वो कपड़े लेके आने हैं और बस मतलब, और फिर वो सारे पैक करने हैं और ऑलमोस्ट मेरी सारी पैकिंग हो गई। उसके बाद जाऊंगा मैं प्रतीक के पास, वहीं पर डिनर करूंगा और वहीं पर सोऊंगा, क्योंकि प्रतीक के रूम में एक बंकर है तो लाइक ऊपर वाला जो है वो खाली है। और मैंने उसके जो शेफ़ था उससे भी पूछ लिया है, मतलब लाइक जो उसका बॉस था मैंने उससे भी पूछ लिया, उसने उसने खुद ही मेरे को लाइक ऑफ़र किया था कि बोला कि तेरे को जब तक बतरीब नहीं मिल रही है तो वहाँ पर रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हाँ नॉर्मली यहाँ पे जब एक रूम होता है तुम्हारे पास तो वो तुम्हारा पर्सनल रूम होता है एज़ फार आई नो, वो और किसी का शेयर नहीं होता है। तो अभी कपड़े वगैरह वो भी पैक करने हैं, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा अपना यहाँ से निकलूँगा, वहीं पर डिनर वगैरह करेंगे और फिर अपना यहाँ पे भी कंप्लीट करते हैं। कल मैं इन लोगों को रूम की चाबी पकड़ा दूँगा। तो बस अभी थोड़ा सा कूड़ा वगैरह फेंकना है वो फेंकूँगा, और अपना इन लोगों को कल रूम की चाबी, की कार्ड और मेरा पंच इन पंच आउट पकड़ा दूंगा, और देन वी आर ओवर विद दिस कंपनी। और अभी नई ढूंढनी है, अभी ये बहुत बड़ी लड़ाई है, वैसे इतनी बड़ी लड़ाई भी नहीं है बट एक अच्छी ढूंढना दैट इज़ अ लड़ाई। सो पैकिंग पूरी कंप्लीट हो गई है मेरी। अभी अभी मेरे को ऐसा लगता है बस ये एक पीछे जिम बैग रह गया है और थोड़े बहुत जो मैं एसेंशियल्स यूज़ करता हूँ वो मेरे रह गए हैं, वो मुझे बस अब मेरा जो थर्ड बैग है उसमें डालने हैं। और दो चार कपड़े बचे हुए हैं वो थोड़े से अभी सूखे कम हैं तो इस वजह से वो बैग में डाले नहीं हैं, तो वो मैं कल सुबह निकालूंगा जब मेरे को यहाँ से निकलना है, तो उस टाइम पे मैं बैग में डाल के निकल जाऊँगा। अभी मेरे ये दोनों छोटे, छोटा और बड़ा, एक छोटू है एक बड़ू है, तो ये दोनों बैग मेरे पैक हो चुके हैं टोटली। लाइक इसमें अराउंड अराउंड भी, तो ये जब मैं इंडिया से आ रहा तभी लेके आया था, इसमें अराउंड 35-40 kg है और इसमें अभी 10-12 kg है। और एक बैग और है मेरे पास अभी, वो भी मेरे को पूरा भरना है अभी, मतलब कि भरना ही क्या है, तो सारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया। एक मेरा जिम बैग रह गया, इसमें मेरे को अपना सामान डालना है, और मेरा एक पीठ पर लटकाने वाला बैग है उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो मुझे शायद आई थिंक कुछ भरना है नहीं मेरे को उसमें। उसमें तो बस मेरा लैपटॉप जाएगा, लैपटॉप और मेरी कॉपी किताबें वगैरह डालूंगा मैं उसमें। और फिर यहाँ से कल निकलते हैं, यहाँ से गुड बाय टाटा करता हूँ मैं। और आज इस व्लॉग को मैं बस अभी डिनर करने के लिए जा रहा हूँ लास्ट प्रतीक के पास, उसके बाद दो चार बातें बताता हूँ और फिर यहाँ पे व्लॉग को करेंगे ख़त्म। सो रात के बजने वाले हैं 2 और मैं अभी तक बैठ के मतलब अप्लाई वगैरह कर रहा था, और अभी जितना हो सकता है मैं अपना अप्लाई कर लिया है, और अभी ये लैपटॉप बंद भी नहीं किया है, यही बैठ के ये हाउस बिल्डिंग डॉट डे पे बैठा हुआ था, फिर स्टेप स्टोन पे बैठा थोड़ी देर तक। अरे इसमें फिर मैं बहुत सारी जितनी भी थी वो सारी की सारी एक्सप्लोर भी करने लग गया कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, अब क्या क्या ऑप्शंस खुल रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं देखने लग गया। तो ये मेरी बेरोज़गार वाली वीडियोस 2-3 दिन तक आएंगी, जिसमें मैं बेरोज़गारी में क्या क्या करता हूँ वो सब कुछ दिखाऊंगा। और इंसान अगर बेरोज़गार होता है जर्मनी में तो वो क्या क्या करता है, वैसे मैं पूरा बेरोज़गार नहीं हूँ, मेरे पास एक मिनी जॉब है करने के लिए जो कि मेरे को मतलब क्या, मैं बिल्कुल ठाली इंसान नहीं बैठा हुआ अभी, मैं बिल्कुल ठाली नहीं हूँ, मेरे पास कुछ काम है करने को। तो ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।